अदब के नाम पर जमा हुए हैं और किसी न किसी तरह हम सब लोग अदब से मुंसलिक भी होते हैं और हमारा साबका भी पढ़ता रहता है। मुमकिन है कई दफ़ा हम ये न समझ पाते हों टेरी एगल्टन के लफ्ज़ों में कि वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ द लिटरेरी, कोई बात होती हो हम समझते न हों कि यह अदब है, लेकिन फिर भी वो अदब होता है। मिसाल के तौर पे ऐसे लोग भी हैं जो ये नहीं समझते कि गज़ल कोई चीज़ है और वो सुनते हैं, फ़र्ज़ करिए जिसको हम कंपोज़ कर लेते हैं, उन्हें खबर नहीं है लेकिन वो अदब की मौजूदगी में हैं। हम सब होते हैं, लेकिन होता यह है कि कई दफ़ा जब आप ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल करना शुरू करें जो एक दफ़ा आपको लगता है कि बिल्कुल फितरी बात है, लेकिन जब आप सोचते हैं और अक़ल से सोचते हैं कि ये बात क्या है, तो उलझन पैदा होती है। मेरे जहन में भी जाहिर है कि एक अरसे तक जब मैं तालिबे इल्म बाज़ाब्ता था, तालिबे इल्म तो जाहिर है कि अब भी हूँ लेकिन बेज़ाब्ता हूँ, तो सोचता रहता हूँ कि आखिर ये क्या बात है। फ़र्ज़ करिए कि जो डिसिप्लिन हैं दूसरे हमारे नज़दीक, इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है या इस तरह की चीज़ें हैं, वो अपने मवाद की वजह से हैं, कंटेंट की वजह से हैं। लेकिन अदब जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि अदब में इकोनॉमिक्स की भी बातें हैं और सियासत की भी बातें हैं और तरह की भी बातें हैं। तो क्या बात है कि अदब ये सारी बातें करने के बावजूद भी अदब रह जाता है, क्या ऐसी खसूसियत उसमें पैदा होती है? और अदब के नाम पर और कई चीज़ें, मसलन शायरी है, नावल है, अफसाना है, इन सब में क्या कॉमन बात है? इन मौजूआत पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान दो लोग मौजूद हैं, जाहिर हैं कि वो इस बात के ज़्यादा मुस्ताक हैं कि वो इसका जवाब दें। तारुफ़न एक दो कलिमात मैं आपको बता दूं। मोइनुद्दीन जीना बड़े साहब मैं तो एक अरसे से जानता हूं, जाहिर है कि वो मुझे क्यों जानेंगे, कोई वजह इसकी नहीं है। जब मैं तालिब इल्म था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो भी सेमिनारों में ये शिरकत के लिए आते थे। फिर इनका एक अफसानवी मजमूआ आया ताबीर के नाम से और बहुत क़द्र की निगाहों से देखा गया। इनकी तनकीद पे भी कई किताबें हैं जिसमें बयानिया की रवायत एक बहुत मशहूर किताब है और मेरा ख़्याल है कि कलीदी हैसियत है उसको। बयानिया पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है, इनकी जो किताब है उसकी बहुत बुनियादी अहमियत है। उसके अलावा दरस व तदरीस से इनका ताल्लुक़ रहा, एक ज़माने तक ये मुंबई में रहे, JNU में ये 15 साल तक प्रोफेसर रहे और ज़ाहिर है कि हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की इन्होंने तरबियत की अपने ज़माने में। आज हमारे सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरे मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं, आप में से मुमकिन है ज़्यादातर लोग जानते हों, उदयन वाजपेयी साहब। मैंने इनको बोलते हुए सुना, जब मुझे ये खबर हुई कि मैं इनसे बात करूँगा तो मैंने एक इंटरव्यू इनका सुना जो किसी रेडियो के लिए किसी ने किया था, और आप देखें कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि इल्म किस तरह आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है और किस तरह आपके रगो पै में सरायत कर जाता है और आप किस तरह उसके हवाले से सोचने लगते हैं। इस तरह की एक शख्सियत हैं, कई किताबें हैं उनकी, केवल कुछ वाक्य, पागल गणितज्ञ की कविताएं, ऐसी 4 कविता संग्रह इनकी हैं। इसके अलावा इन्होंने नसर में भी लिखा है, नज़्म में भी लिखा है, इन्होंने तर्जुमे भी किए हैं, बोरखेस के तर्जुमे किए हैं, चेखोव के किए हैं। उसके अलावा ये इन दोनों हजरात के साथ एक और बहुत अच्छी बात यह है कि ये कई जुबानें जानते हैं, तो मेरा ख़्याल है ये मुस्तहक तरीन लोग हैं जिनसे आज हम अदब के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तो जीना साहब, सबसे पहले ये है कि अदब, जाहिर है कि ये जो ज़माना है, अभी मुझे याद आता है कि एक मुल्क है बरतानिया, वहाँ एक नया प्राइम मिनिस्टर आया और उसने ये कहा कि जो लो अर्निंग डिग्रीज़ है हम कोशिश करेंगे कि उन्हें ख़त्म कर दें। धीरे धीरे जाहिर है ये बातें हैं, और 2-3 और बातें मेरे जहन में हैं। जाहिर है कि मैं जब बहुत छोटा था तो खाली औकात जो मेरे होते थे तो उसमें मैंने देखा कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो इब्ने सफ़ी को पढ़ते थे और वो नावलों का एक अंबार लगा रहता था, और जाहिर है कि हमें इजाज़त थी नहीं तो छुप छुप के हम वो पढ़ लेते थे। किताबें अब भी मेरे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ये तौफीक नहीं होती कि वो किताबें पढ़ें, क्योंकि जाहिर है कि कुछ चीज़ है जो उनके हाथों में होती है, उनकी जेब में होती है, कुछ चीज़ है जो दीवार पे टंगी हुई है, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं महसूस करते। तो आप किस तरह देखते हैं, ये सवाल मेरा ख्याल है कि इस ज़माने में सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है और हम वहीं पहुँचेंगे। उससे पहले जो पहली बात मैंने आपसे कही, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, आप दोनों हजरात की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, कि अदब क्या है और ये किस तरह मुख्तलिफ है और दूसरी चीज़ों से? सरफराज साहब, ये सवाल अदब क्या है,
आप जिस उलझन वगैरह का जिक्र कर रहे थे, बेसिकली एक रेटोरिकल किस्म का क्वेश्चन है ये जी। यानी उसका लुबालुबाब यह होता है कि आप इसे बयान करने की सोचते रहिए और उलझन में उलझते चले जाइए जी। तो भाई साहब, हम दोनों को इन्होंने उलझन में डालना तय कर लिया है। नहीं सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में अदब क्या है। तो अदब हम ये कह सकते हैं कि एक इंसानी सरगर्मी है, एक ऐसी सरगर्मी है जो बिल इरादा होती है, और इसका पहला मकसद जमाल, इससे जमाल की तस्कीन होती है। ये हाँ, इससे जमाल की तस्कीन है, इंसानी सरगर्मी है, बिल इरादा की जाती है, उसकी कोई इफादियत भी होती है या हो सकती है। हम कभी जब उस पर इस पर आएंगे कि भाई ये अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी का जो खेल है, उस पर जब हम आएंगे तो इफादियत पर भी बात करेंगे जी। लेकिन ये इंसानी सरगर्मी है, इंसानी सरगर्मी जितनी हैं उनके साथ ये है कि या तो वो किसी जबिल्लत का इजहार होती हैं जी, और या फिर किसी ज़रूरत की खातिर मारज़ वजूद में आती हैं। तो वो ज़रूरत वो ईजाद की माँ है। तो एक तो है उसको, जैसा मैंने अर्ज़ किया, जबिल्लत है, दूसरी ज़रूरत है, और ये दोनों इसमें काम करती हैं। अदब के लिए इन दोनों का पाया जाना ज़रूरी है। और ये जो फैकल्टी है ये वदियत होती है। दूसरी सरगर्मियों के ताल्लुक से कोई असरार नहीं पाया जाता। एनी ह्यूमन एक्टिविटी, उसमें कोई असरार नहीं पाया जाता, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि ऐसी भेद की चीज़ है जिसको हम समझें और हम समझ ना सकें। अदब के साथ तो मसला है, ये मसला है कि आप इसे समझते हुए नहीं समझ सकते। कोई कह दे कि साहब उदयन साहब शेर कैसे कहते हैं साहब बताइए, तो उदयन साहब जवाब नहीं दे सकते। ये सवाल तो उनके कारी और उनके सामने का है, लेकिन मज़े की बात यह है कि जो मंबा है उसका वो शख्स भी नहीं जानता। तो ये बड़ी पुर असरार चीज़ है। और आपने बजा फरमाया ये उलझन में डालने वाली बात है। और क्या अर्ज़ करूँ यहाँ इसके आगे, अब आप देखिए जी। वाजपेयी साहब, आपके लिए कि अभी जैसे मैं कह रहा था, और ये तकरीबन इत्तेफाक है कि इल्म की और जो शाखें हैं, मिसाल के तौर पे मैंने इकोनॉमिक्स या और कई शाखों का ज़िक्र किया, ज़ाहिर है कि जब हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करिए कि पॉलिटिकल साइंस है तो वो सियासत की बातें कर रहे हैं, और जैसी बातें होती हैं तो अगर हम ये न भी जाने पहले से कि किताब के कवर पे क्या ये लिखा हुआ है कि ये सियासत की किताब है, तो भी हम कंटेंट से जान जाते हैं कि ये सियासत की किताब है। उसी तरह और चीज़ों का हाल है। अदब क्या अपने कंटेंट की वजह से अदब है, या अदब सिर्फ एक स्टाइल का नाम है जो ये तय करता है कि ये अदब है? अदब के लिए कंटेंट की कोई कैद है? क्या किसी चीज़ में ख़ुद ब खुद ये सलाहियत पाई जाती है कि वो अदब के काम आ जाए, या हम उसमें ऐसी सलाहियतें ढूंढते हैं और अपने काम का बना लेते हैं? हालांकि आपने कहा कि ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, तो एक किस्सा सुनाता हूँ। पहले किस्सा इसका है कि ऐसा माना जाता है, और देखिए सारी मान्यताएँ हैं, मैं तो विज्ञान भी जानता हूँ, वो भी शुरुआत मान्यता ही से होती है उसकी। एक क्यों का जवाब एक जगह आके अटक जाता है, इसलिए सारी कुछ मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये है कि जो रामायण लिखने की शुरुआत हुई, वाल्मीकि ने लिखा, उसकी शुरुआत ऐसे हुई कि एक क्रौंच कपल था, क्रौंच पक्षियों का जोड़ा था, वो मेटिंग कर रहा था, कॉपुलेट कर रहा था, मिथुन रथ था, और अचानक एक शिकारी का तीर आया। उससे इसमें अलग अलग वर्जन्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो जो मेल क्रॉन्च है वो मर गया, कोई कहते हैं फीमेल मर गया, अपन मेल मान लो,
थोड़ा फेमिनिज्म के लिए भी ठीक रहेगा। तो मेल मर गया, तो वो जैसे ही मेल मरा तो ये देख रहे थे वाल्मीकि उस वक्त खड़े होके, वो शायर थे वो देख रहे थे, तो पहले तो उनको गुस्सा आई और गुस्सा आते ही उनके मुंह में गाली बनी, उनका भाव गाली का बना। लेकिन जब उन्होंने बोला तो वो श्लोक बोल गए। तो इसको प्राइमल मूवमेंट मानते हैं संस्कृत ट्रेडिशन में। हर ट्रेडिशन में प्राइमल मूवमेंट्स होते हैं, वो डॉगमास होते हैं हर ट्रेडिशन में, इसमें सब एक से। तो ये डॉगमा ये है कि ये क्षण शोक जो था, ग्रीफ, वो बदल गया शायरी में, पोइट्री में बदल गया, और गुस्से की जगह उनमें उनको आनंद आ गया। यानी वो गुस्सा है, जो शोक है, वो करुण रस में बदल गया। तो किस चीज में बदला, वो क्या चीज थी जिसमें वो बदल गया, जिससे उनका गुस्सा आनंद में तब्दील हो गया, प्लेजर में बदल गया। तो उसको लेके फिर बहुत बहस हुई। अच्छा, हम हिंदुस्तानियों की आदत भी है, हम हर चीज पे बहस करते रहते हैं। तो ये एक बहस में ये कहा गया कि साहब तीन किस्म के इस्तेमाल आप जुबान के कर सकते हैं। एक तो वो है जिसमें केवल शब्द है, जो चैंटिंग होती हैं जितनी तरह की, उन सारी चैंटिंग्स में केवल शब्द महत्व का होता है, उसका अर्थ का कोई महत्व नहीं होता। और आपको ये जान के शायद आश्चर्य हो, अगर आपको पहले से न पता हो ये, कि लगभग 1.5-2 हजार साल तक वेदों में अर्थ नहीं माना जाता था, केवल शब्द माना जाता था। और मैं समझता हूं बड़ी अच्छी बात है, उसको संगीत के एक तरह के शब्द के संगीत की तरह लिया जाता था, वो म्यूजिकल स्कोर की तरह देखते थे, वो केवल शब्द है, उसमें भाषा के एक ऐसा इस्तेमाल जिसमें केवल शब्द है, अर्थ नहीं, अर्थ का पे ध्यान नहीं देते आप। दूसरा इस्तेमाल भाषा का ऐसा है जो आप पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री राइटिंग है, इसमें केवल अर्थ महत्व का होता है, शब्द का कोई महत्व नहीं होता। आपने किसी इतिहासकार को, मानिए रोमिला थापर को, ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है अपनी बात कहने, ये कभी याद नहीं रहेगा। उसने उन्होंने क्या कहा है ये याद रहेगा। लेकिन शायरी और साहित्य अकेली ऐसी चीज है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का बराबर महत्व है। और इसके लिए बड़ी सुंदर एक उपमा है, और इस ये बड़ी सुंदर कालिदास की दी हुई उपमा है कि शिव और पार्वती दोनों के एक साथ मिले हुए हैं, इसी तरह शब्द और अर्थ मिले हुए हैं, ये अलगाए नहीं जा सकते। तो इससे क्या होता है कि जब आप एक कोई शेर को या एक उपन्यास को दोबारा पढ़ते हैं तो उसमें नए नए अर्थ पैदा होते हैं, क्योंकि शब्द और अर्थ अपनी पोजीशन बदल लेते हैं उसमें। तो साहित्य एक ऐसी चीज है जिसमें शब्द भी उतने ही महत्व का है जितना अर्थ है, और जिस साहित्य में शब्द अर्थ देके खत्म हो जाए, मुझे शक है कि वो साहित्य है। जाहिर है कि बहुत उम्दा आपने जवाब दिया। जाहिर है कि शेर जब हम पढ़ते हैं तो शेर के सारे अल्फाज सही सही पढ़ते हैं, एक तो मजबूरी उसमें ये होती है कि अल्फाज बदल जाएं और उसके दरवस्त बदल जाएं तो वज़न में भी नहीं रहता, एक मजबूरी तो ये है। और फारूकी साहब ने जाहिर है कि बहुत काम किया अदब पे, और कई दफ़ा उन्होंने मीर के शेर में और दूसरे शोरा के यहाँ उसी वज़न का कोई और लफ्ज़ रख के दिखाया कि किस तरह से वो बात पैदा नहीं हो रही है। आपने देखा होगा शेर शोर अंगेज़ में भी। तो जाहिर है कि अदब हम अल्फाज के साथ याद रखते हैं और दूसरी चीज़ें अल्फाज के साथ याद नहीं रखते। एक दूसरा सवाल भी मेरा आप ही के लिए है, चूँकि जाहिर है कि आपका ताल्लुक फिल्मों से भी और नाटक से भी, इन तमाम चीज़ों से रहा है। मेरे जहन में एक बात ये थी कि फ़र्ज़ करिए कि एक सैमुएल बेकेट का वो मशहूर ज़माना प्ले है वेटिंग फॉर गोडो, और फिर मैंने देखा कि कई फिल्में आई जो जेन ऑस्टिन की नॉवेल्स पे हैं, मिसाल के तौर पर प्राइड एंड प्रेजुडिस है,
और एमा है, फिर मैंने देखा कि द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे इस पर भी फिल्म बन गई। और बहुत दूर क्यों जाएं, मेरा ख्याल है कि शौकत सिद्दीकी का जो नावल है खुदा की बस्ती, उसको टीवी के लिए 1969 में ही लोगों ने अडेप्ट कर लिया था और उस पर सीरियल यूट्यूब पे मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे एक दोस्त हैं और कई लोग हैं, ये तो एक बहाना है कि हमारे एक दोस्त हैं, ये कई लोग ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करिए कि हमारे पास वक्त है जो, तो हम वो बेकेट का प्ले क्यों यूट्यूब पे ना देखें, बेकेट को पढ़ें क्यों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कागज़ पे वो जो तहरीर है, वो जो प्ले है और वो जो एक्ट किया गया है स्क्रीन पे, इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? क्या अब भी वो अदब है और क्या अब भी उसका वही वैल्यू है जो उस चीज़ का है जो कागज़ पे मौजूद है? हाँ, एक तो नाटक आपने ठीक कहा, दो तरह से नाटक लिखे जाते हैं। उस दृष्टि से वैसे कालिदास को कमज़ोर नाटककार माना जाता है संस्कृत में। जैसे सोफोक्लीज वगैरह जो नाटककार हुए ग्रीस में, उनके नाटक पढ़ते हुए हमेशा लोगों ने ये कहा कि साहब ये अधूरे लगते हैं। आप खुद पढ़ के देखेंगे, सोफोक्लीज पढ़िए, यूरिपिडिस पढ़िए, किसी को भी पढ़ लीजिए, तो उसमें सिर्फ उन्होंने जो एक्टर्स ने बोला है वो लिखा है। पूरा कैसे उसने चला, कैसे उसने क्या कॉस्ट्यूम पहनी थी, ये सब उसमें नहीं लिखा होता। कालिदास ऐसा लिख देते हैं, इसलिए उनको कमज़ोर माना जाता है, भास को बड़ा नाटककार माना जाता है। बहरहाल, जब बैकेट को आप सैमुअल बैकेट को पढ़ते हैं और आप देखते हैं, तो उसमें एक बुनियादी फ़र्क तो यही है कि बैकेट को जब आप सीधे पढ़ते हैं तब आप अपने दिमाग में जो रंगमंच बनाते हैं उसके डायरेक्टर आप होते हैं। आप यानी आपका सबकॉन्शियस कह लीजिए, आपका क्योंकि इंडिविजुअल ईगो से तो बनता नहीं है, उसको तो त्यागना ही पड़ता है पढ़ने के लिए। और जब आप किसी दूसरे डायरेक्टर का देखते हैं तो उसमें उसकी कल्पना शामिल हो जाती है, उसकी कल्पना को आप देखते हैं, यानी फिर वो सैमुअल बेकेट का पूरी तरह नाटक नहीं रह जाता। गोया आप ये कह रहे हैं कि वो एक ख्वाब है और उसकी एक ताबीर नज़र आ जाती है, तो उससे ख्वाब को नुकसान पहुंचता है। वो नहीं, वो दूसरे ख्वाब में तब्दील हो जाता है। एक मैं आपको किस्सा इसमें सुना दूं कि एक बार हिंदी के बहुत ही बड़े अफसाना निगार हुए निर्मल वर्मा, वो हमारे खालिद के दोनों के बड़े पसंदीदा अफसाना निगार हैं, उनकी एक कहानी पर हमारे उस्ताद मनी कौल साहब ने, जो फिल्म मेकर बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, उन्होंने कहा साहब हम कहानी आपकी कहानी पर फिल्म बनाएंगे, लेकिन फिल्म बनाने के वक्त हम आपकी कहानी का क्या कर देंगे ये हमें खुद नहीं पता। तो निर्मल जी नाराज़ हो गए कि साहब आप ऐसे कैसे हमारी कहानी से कुछ भी कर देंगे। तो फिल्म का काम कहानी को आप तक पहुंचाना नहीं है, फिल्म का काम फिल्म को आप तक पहुंचाना है, उपन्यास उसके लिए एक आधार बनेगा। उस ईमानदारी किस चीज़ के प्रति होना चाहिए फिल्मकार की? फिल्म माध्यम के प्रति जी, कहानी के प्रति नहीं, क्योंकि कहानी तो उनकी वैसे पढ़ी जा सकती जी 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 जाहिर है। तो इजाज़त दें तो अब मैं इस बिल्कुल बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आपने बहुत सही बातें फरमाई हैं। मैं एक मिसाल मुझे याद आती है, गाइड जी। एक तो है नॉवेल और दूसरी है फिल्म। जब गाइड बना चुके देवानंद जी, तो उसके राइटर ने कहा, डिसओन कर दिया। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि ये मेरी कहानी नहीं है, अब इन्होंने क्या बनाया वो जाने, उन्होंने डिसओन कर दिया। अमलदे की बात है, देवानंद ने गाइड को दो जबानों में बनाया, एक अंग्रेज़ी और एक उर्दू जी। होता है क्या है, अब दोनों उन दोनों में भी बड़ा फ़र्क है जी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि एक इंडियन सेंसिबिलिटी है और एक जो है वो फॉरेन सेंसिबिलिटी है जी। तो इसमें एक तो सेंसिबिलिटी काम करती है और दूसरा जब कारी रीडर जब पढ़ता है किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को, तो वो पढ़ने का अमल उसके अंदर उस राइटिंग को रिक्रिएट करने का अमल होता है। एवरी रीडर रिक्रिएट्स जी द पोएम और द शॉर्ट स्टोरी, और वो अमल हर आदमी का अपना होगा जी, जाहिर है। आप जैसे रिक्रिएट करेंगे जी जी, मैं और फिर उदयन साहब ऐसा रिक्रिएट करें नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि जी इट्स
कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। तो सर क्या ये कह सकते हैं कि फ़र्ज करिए कि कोई ड्रामा जो कागज़ पे मौजूद है वो एक लफ्ज़ है, और जब हम उस पर कोई फिल्म बना देते हैं या कोई ड्रामा उस पर करते हैं तो हम उसके मानी मुतय्यन कर देते हैं? ठीक है साहब, मैं ये जो फिल्म एडाप्टेशन है ये अपने आप में एक पूरा डिसिप्लिन है, और उस डिसिप्लिन को जब हम चीज़ों को देखें पढ़ें तो एक बेसिक रूल हमने पढ़ा कि स्क्रीन नॉवेल के साथ इंसाफ कर ही नहीं सकता। ये बेसिक रूल है। अब क्यों नहीं कर सकता भाई? इसलिए नहीं कर सकता कि राइटर का जो विज़न है, जो 300-400 सफ़ों तक फैला हुआ है, उस विज़न को 2 घंटे और ढाई घंटे में कोई क्या रिक्रिएट करेगा? उसका एक कहना चाहिए कि जो उसका अपना जो पर्सपेक्टिव है जी डायरेक्टर का, भाई डायरेक्टर बदलता है तो उसकी स्टोरी पे दूसरी चीज़ बन जाती है। दो हमारे यहाँ उमराजान अदा बनी जी, एक तो मुजफ्फर साहब मुजफ्फर अली की जी, और दूसरी अभी जी जी बाद में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क जाहिर है। तो इस तरह जितनी मिसालें हम ले सकते हैं, तो देखिए नरेटर बदल जाता है जी, नरेटर बदल जाता है। तो यही तो लिटरेचर के साथ बात है, ये बड़ा भेद भरा मामला है। ऐसा क्यों हो रहा है आप नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा हो रहा है, और इसके होने के क्या सबब हमको नज़र आ रहे हैं, बस वो कुछ ऐसा ही है जी। अब इसका रुख ज़रा सा तब्दील करके एक बात जो मेरे जहन में आती है, वो ज़ाहिर है आप दोनों तख्लीककार हैं, आपके जहन में भी होगी। मुझे याद आता है इलियट को पढ़ते हुए मैंने कई दफ़ा देखा कि वो नसर पे शेर को तरजीह देता है, और ज़ाहिर है कि हम में से ज़्यादातर लोग शेर को अदब ज़्यादा समझते हैं, नसर को कम अदब समझते हैं। तो क्या आप दोनों को, बल्कि ये लगता है कि शेर ज़्यादा अदब है नसर के मुकाबले, क्या पोइट्री ज़्यादा अदब है, ज़्यादा लिटरेचर है, और क्या प्रोज कम लिटरेचर है? ये उस उपन्यास पे या उस शेर पे, उस पोइट्री पे निर्भर करेगा। ऐसे बहुत सारे उपन्यास दुनिया में लिखे गए हैं जो आप जिनको कह सकते हैं कि जो बिल्कुल, जिनको आप पढ़ के कहेंगे कि साहब इसमें और किसी काव्य में या शायरी में कोई फ़र्क नहीं है, हालांकि वो पूरी तरह प्रोज हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ राइटिंग, इस पे फ़र्क, इसका इसमें फ़र्क है। मतलब अगर आप इसको, इसका जनरलाइजेशन नहीं कर सकते जी। एक बात ज़रूर है कि उपन्यास का जो जन्म हुआ जी, वो इतिहास और कविता के बीच की जो सुनसान है जी, उसमें पैदा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा उपन्यास वो हुआ जो कविता की ओर झुका हुआ होता है, और जो उपन्यास इतिहास की ओर ज़्यादा झुक जाता है वो कमज़ोर होता है। उसमें सूचनाएं बहुत होती हैं, उसके लिए आप बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो रिसर्च करके लिखते हैं वगैरह, ये अच्छा है, वो भी एक ढंग है लिखने का, लेकिन ज़्यादातर काव्य की, कविता की तरफ झुका हुआ होता है उपन्यास। आप इसके बहुत से उदाहरण देख सकते हैं, मार्क्वेस का कुछ राइटिंग ऐसी है, मिलान कुंदेरा की कुछ राइटिंग ऐसी है, या ये तो मैंने बहुत आपको जो लोकप्रिय लेखक हैं उनके नाम लिए, लेकिन ऐसे सैकड़ों लेखक हैं जिनको आप कह सकते हैं, जिनके उपन्यासों को। ये इसलिए है शायद कि हम शायरी को ज़्यादा लिटरेचर इसलिए मानते हैं कि वो पुरानी है, उसका उदाहरण बहुत पुराना है। बहुत सारी ज़ुबानों में तो प्रोज होते ही नहीं थे लंबे समय तक। क्या सर ये भी है कि शायरी का ताल्लुक जज्बे से ज़्यादा है नसर के मुकाबले? शायरी का उदाहरण के लिए सबके हिंदी जो शायरी थी वो तो ज़्यादातर फिलोसफिकल थी। अभी हाल में मैं एक ईरान की एक लेखिका से मिला, और मैं मिर्ज़ा बेदिल की बहुत तारीफ़ करने लगा, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ मिर्ज़ा बेदिल को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने फिलोसफी कुछ ज़्यादा कर दी, तो उनको आज भी हज़म नहीं हो रही, वो शायरी है। तो ऐसा है कि अच्छी शायरी में और अच्छे प्रोज में एक तरह से विजडम, जिसको आप सयानापन कहते हैं, विजडम कहते हैं, इनसाइट कहते हैं, जिसके लिए गलत लफ्ज़ फिलॉसफी है, जिसके लिए आप रिफ्लेक्टिविटी कह सकते हैं, वो तो होता ही है, उसके बगैर बड़ा साहित्य तो पैदा ही नहीं होता। आप जेम्स जॉयस को ले लीजिए जी, जी आप काफ्का को ले लीजिए जी,
तो जेम्स जॉयस है ही इसलिए क्योंकि जेम्स जॉयस का जो यूलिसिस है उसमें बहुत गहरे उसके एक एक शब्द में बल्कि एक एक अक्षर में इनसाइट है, रिफ्लेक्टिविटी है जी। तो वो दोनों में होती है। हम आदतन शायद जी जी ना बड़े साहब आप अगर इस पर कुछ रोशनी डालना चाहें। लिटरेचर की जो असल है जिस तरह जो शुरू हुआ है वो ओरल लिटरेचर रहा है जी। ये जो लिखने वाला मामला है वो एक्वायर्ड स्किल है जी। ओरल जिसे हम कह रहे थे कि इंस्टिंक्ट की बात होती है तो आदमी ने पहले इंस्टिंक्ट थी और वो जो कहता था उसमें एक रिदम और उसमें एक तुक हुआ करती थी। राइटिंग नस्ल जो है वो एक वाइट की हुई है। अब उसकी रिवायत को नस्ल की रिवायत का तसलसल कहना मुनासिब नहीं मालूम होता। नस्ल दूसरे तकाजे पूरे कर रही है जी और शायरी कुछ और तकाजे पूरे कर रही है। जज्बे और फिक्र का मामला यह है कि अगर वो हमारे जो रोमानी दौर के नस्र निगार हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके यहाँ फिक्र नहीं है, उनके यहाँ जज्बा है और एहसास है जी। फिर कृष्णचंद्र जब नस्र लिखते हैं तो ये तो मेरे ख्याल से किसने कहा था कि ये सर ये तो शायरी कर रहे हैं जी, उनकी नस्र शायरी है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग हैं और कहीं ना कहीं ये मिले हुए भी हैं लेकिन दोनों के पर्पस अलग हैं। वहाँ जज्बा काम करेगा ज़्यादा जी और यहाँ फिक्र ज़्यादा काम करेगी जी। लेकिन वो ओरल ट्रेडिशन का हिस्सा ख़त्म होने के बाद जी शेर में फिक्र भी आने लगी जी और धीरे धीरे उसमें फिक्र की आमद हुई है जी जी। और बाद में तो इकबाल जैसा फलसफी शायर भी पैदा हो गया जी। लेकिन अख्तर शीरानी जैसा शायर इकबाल ही के साथ रहा जी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो शायद ना कह सकें हम। अच्छा, ज़ाहिर है कि दूसरे उलूम नसर तो इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है कि तमाम चीज़ें नसर में होती हैं, नज़्म में नहीं होती। नज़्म मुझे लगता है कि एक ऐसा इलाका है जिस पर अदब का पूरा हक है और पूरी इजारादारी है। एक बात जो अब हम इस सवाल पे आते हैं अदब क्यों पर, आप भी तख्लीक़कार हैं जीना बड़े साहब और वाजपेयी साहब भी, ये जो वक्त है ज़ाहिर है कि मैंने पहले भी कहा कि एक तो लोगों के पास वक्त कम है, दूसरे आपकी गुफ्तगू से जो एक बात मैंने अख्ज की जब मैंने सुनी और ज़ाहिर है कि मैं महसूस करता था कि अटेंशन स्पैन हमारा लगातार कम होता जा रहा है। तो इस वक्त में जब किसी के पास वक्त हो और वो वक्त ऐसा है जिसमें एक ज़माने में हम अदब पढ़ते थे, कई चीज़ें थी, इब्ने सफ़ी को लोग छुप छुप के भी पढ़ते थे, इस ज़माने में तख्लीक़कार के तौर पर आपको क्या लगता है आप किसके लिए लिखते हैं? आप अपने लिए लिखते हैं, क्या आपको यकीन है कि आप जो लिखते हैं उसके लिए रीडर्स का एक तबका मौजूद है? ये कौन सी ज़रूरत अदब पूरी कर रहा है? इसमें मैं आपको पहले तो एक संगीत का उदाहरण दे दूं कि जब एक बार केसरबाई केरकर गा रही थी, केसरबाई केरकर बड़ी भारी गवैया हुई हैं ख्याल गायकी की, तो वो गाते गाते उन्होंने कोई एक ऐसा स्वर लगा, उन्होंने खुद कहा कि वाह क्या बात है, इसका मतलब है वो गा नहीं रही थी, सुन रही थी। और सुनने वाला सुनते समय भूल जाता है कि वो सुन रहा था, तो ना गाने वाले जो लिखने वाला है उस वो लिखते वक्त ना वो है, ना पढ़ने वाला पढ़ते समय वो खुद वो है। तो ये तो सवाल हो ही नहीं सकता कि कौन किसके लिए लिख रहा है, ना तो सुनने वाला है, ना वो लिखने वाला वहाँ है, ना वो सुनने वाला वहाँ। आपका सवाल मैं जानबूझ के सोशियोलॉजिकली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ नहीं, कि आप किसके लिए लिखते हैं, ये सवाल मैं आपको सचमुच बताता हूँ। मैंने कोई 20-22 किताबें लिखी हैं, बहुत सारे अफसाने लिखे, एक उपन्यास लिखा, बहुत सारी कविताएं लिखी, निबंध लिखे। आज तक मुझे लिखते समय ये याद नहीं आया कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ। एक बात ज़रूर, एक बार मुझसे कभी किसी विलायत में किसी ने पूछा
कि साहब आप किसके लिए लिखते हैं, तो चूंकि मेरी लिखाई बड़ी ख़राब है तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैं अपने टाइपिस्ट के लिए लिखता हूँ। तो आप क्या कहेंगे इसमें? जाहिर है कि आपके अफसानों का मजमूआ जब आया था उसकी बहुत पज़ीराई हुई थी जी, जी। और अब तक भी कई अफसाने उसके, मसलन नास्तिक है और वो बरसोराम धड़ाके से, ये अभी तक पब्लिक मेमोरी में कम से कम जो लोग अदब पढ़ते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, जिसे हम हाई लिटरेचर कहते हैं उसके रीडर हर दौर में कम रहे हैं, जाहिर है। और जिसे आप पॉपुलर लिटरेचर कहते हैं, आपने इब्ने सफ़ी का जिक्र किया, जी जी जी, उनके रीडर हमेशा बहुत ज़्यादा रहे। और अगर रीडरशिप को बुनियाद बनाया जाए तो हाई लिटरेचर उसके सामने कहीं नहीं टिकता। लेकिन ज़िंदगी हाई लिटरेचर को मिलती है, पॉपुलर लिटरेचर को नहीं मिलती। वक्त की कसौटी पर हाई लिटरेचर पूरा होता है, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उसकी अदबी कद्र बढ़ती जाती है। जबकि पॉपुलर लिटरेचर का ये है कि वो आज आया सामने, 5,000 लोगों ने पढ़ा, 2 दिन बाद ख़त्म हो गया। अब पॉपुलर लिटरेचर को लिटरेचर लिखने वाले के लिए ज़रा से स्पैन में नया लिखना पड़ेगा जी। हाई लिटरेचर वाला भाई, उसका तो माजरा ये है, बेदी साहब ने एक मरतबा कहा था, पार्टीशन पर हमारे यहाँ बहुत लिखा गया जी, पार्टीशन पर बहुत लिखा गया, कृष्णचंद्र ने कितना लिखा जी, मंटो ने बहुत लिखा, नाम लेते जाइए एक से ज़ायद चीज़ें। बेदी साहब ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा कि मैंने एक कहानी लिखी, सिर्फ एक कहानी लिखी, यूँ लिखी कि मेरे लिए पार्टीशन को मैंने जिस तरह अंगेज किया वो बात मुझे कहनी है, कोई फार्मूला मुझे इस्तेमाल नहीं करना है जी। वो एक कहानी लिखने के लिए बेदी साहब ने कितने तो बरस ले लिए। और कृष्णचंद्र का अफसाना आज क्षमा और 20वीं सदी में छपता था और चौथे पांचवें महीने फिर एक अफसाना छप जाता था। कृष्णचंद्र का मसला ही यह रहा कि उनका जो हाई लिटरेचर है और फिर उनका इस किस्म का लिटरेचर है उसमें ऐसा घालमेल हुआ है जी, जी। कि उनकी कदर पैमाई में भी इससे बड़ा उनको नुकसान हुआ है जी। बहुत बड़ी मिसाल उनकी उस नुकसान की यह है कि मरहूम ज़ुबैर ज़हन जदीद के हमारे मुदीर जो थे जी जी जी, उन्होंने उर्दू अफसाने की पूरी तारीख का इंतखाब शाही किया, ज़ुबैर रिज़वी साहब, ज़ुबैर रिज़वी साहब जी जी, उर्दू अफसाने की पूरी तारीख से इंतखाब किया और उसमें कृष्णचंद्र को रखा ही नहीं। अच्छा, यह अलमिया है, आदमी को ये भी मालूम होना चाहिए कि वो कब न लिखे और कब लिखना बंद कर दे, कितना लिखे। भाई जो बात यह है कि आदमी के पास बात करने के लिए अगर कुछ नहीं है और मैं आपके साथ बोलता चला जाऊं तो वो बोलना नहीं, वो बतियाना है जी जी जी, वो वक्त का जिया है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो हाई लिटरेचर लिखने वाला इस गलती को भी कभी मुर्तकिब हो सकता है जी जी। तो बेहतरीन मिसाल हमारे यहाँ, और यही बात मंटो के यहाँ भी पाई जाती है जी। कितने अगर उनके 300 अफसाने हैं, 250 अफसाने हैं, 300-250 कृष्णचंद्र प्रेम कृष्णचंद्र के भी हैं, वह आज जिंदा कितने अफसानों के लिए हैं जी, 20-15 जी जी, जाहिर है सर। बस चूंकि वक्त की एक पाबंदी है और कई चीज़ें हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, और जाहिर है कि मैं और मुझ जैसे बहुत से ऐसे लोग यहां मौजूद हैं जो बहुत कम इल्म हैं, उनके लिए अभी आपने चूंकि ये बहस आपने छेड़ दी कथा कलामी के लिए, मैं ये बात आपकी वापस ये मैं बात अपनी वापस लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने लिटरेचर की, पॉपुलर लिटरेचर की अभी बात की और हाई लिटरेचर की, लो लिटरेचर की, ये आखिर बला क्या है? ये हाई लिटरेचर ये कैसे तय होता है? मिसाल के तौर पे कोई रंग है कि उसमें ये खूबी है और कोई खाना है कि उसमें ये खूबी है? आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, ये बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और इसको समझ लेना चाहिए, इसमें मुगालता होता है। अभी मैंने जो मिसाल दी इब्ने सफ़ी, देखिए लिटरेचर शुरू में हमने अर्ज़ किया कि एक तो जमालियाती
हिस्से जमाल की तस्कीन और निरी तस्कीन नहीं हिस्से जमाल की, वो जिंदगी के ताल्लुक से एक मुनफरिद इदराक जो है फनकार का। फनकार का मौजू है तो जिंदगी, लेकिन वो जिंदगी नहीं है जो हर आदमी जी रहा है, और वो जिंदगी भी नहीं है जो वो फनकार जी रहा है। फनकार का मौजू वो जिंदगी है जो उसका जिंदगी के ताल्लुक से परसेप्शन है जी। अब वो जो परसेप्शन होगा उसमें जिंदगी, जब आप फन क्रिएट करेंगे तो एक पैरेलल रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं जी। जिंदगी है और एक पैरेलल रियलिटी क्रिएट हो रही है, इसीलिए हम उसमें कहते हैं कि सदाकत की बात होती है कि ये जो जो अदब है इसकी सदाकत का क्या मामला है। सदाकत ये है कि पैरेलल रियलिटी में जो रियलिटी क्रिएट हो रही है उसका रेलेवेंस कहाँ तक है और कैसा है। हाई लिटरेचर के ताल्लुक से एक जहत बड़ी दिलचस्प रही है और वो है इट अटेंड्स टू आदमी के बातिन से, उसकी रूह से भी उसका रिश्ता है। जैसा अभी करौंचवत का आप जिक्र फरमा रहे थे, तो एक मैथुन में एक जोड़े का जब वो हो जाता है एक चीख निकलती है जी। वो चीख जो हावी हो जाती है उस शायर पर, उसके बातिन में जब वो गूंजती है तो वो जज्बे के साथ साथ फिक्र में ढल रही है। अगर वो फिक्र में न ढले तो वो कोई फनपारा खल्क न कर सके। हाई लिटरेचर के ताल्लुक से ये बात ज़रूर पाई जाती है। जब भाई शेले ने कहा कि पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ टाइम, शेले ये बात कहते हैं बहुत उम्दा बात। और ये मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा कि भाई ये जो लिटरेचर के बगैर हमारी साइंस अधूरी है जी। और आज हम जिसे मजहब और अकीदा वगैरह कहते हैं जी, कुछ देर की बात है लिटरेचर इनको रिप्लेस कर देगा जी। तो एक हाई एम, मंडेन बातें नहीं है लिटरेचर के साथ जुड़ी हुई जी, एक हाई एम है। उसकी फिक्री जहते हैं पॉपुलर अदब में क्या होता है, पॉपुलर अदब लिखा जा रहा है मार्केट के तकाजे के मुताबिक, उसमें कोई हाई एम आपको नहीं मिलेगा कंजम्पशन के लिए, इमीडिएट कंजम्पशन के। और ये आज हम जिसे पॉपुलर लिटरेचर कह रहे हैं ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की पैदावार है जी। और ये जो छापे की मशीन वगैरह आ गई तो इब्ने सफ़ी एक साथ हज़ारों में छपेंगे जी जी। पॉपुलर लिटरेचर पढ़ते हुए आपको अपने दिमाग को ज़रा भी जहमत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के ताल्लुक से कोई बसीरत काम नहीं कर रही है जी। दिलचस्प है, ज़िंदगी दिलचस्प हो सकती है लेकिन उसके लिए बसीरत शर्त नहीं है। और पॉपुलर लिटरेचर इसी नुक्ते को गोया कहना चाहिए कि इनकैश करता है। ये भी हो सकता है कि बसीरत से दिलचस्पी को कुछ नुकसान ही पहुँच जाए। अब इसके जवाब में मैं अर्ज करूं, हमारे उर्दू में ऐसे अहबाब भी हैं जो ये कहते हैं कि हमने इब्ने सफ़ी से लिखना सीखा। मैंने सर, मैं ख़ुद एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ उर्दू नहीं बोली जाती, जहाँ लोग उर्दू नहीं समझते। मैंने सारी उर्दू बोलना पढ़ना सब इब्ने सफ़ी से सीखा है, जो कुछ मैं अभी बोल रहा हूँ वो सब भी इब्ने सफ़ी से सीखा है। देखिए, आपने इब्ने सफ़ी से ज़बान सीखी है, जाहिर है इसके आगे इब्ने सफ़ी आपको कुछ नहीं सिखा सकते। और वो पढ़ने वाले ऐसे भी होते हैं कि इब्ने सफ़ी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल, असल चीज़ कहने वाले के पास कुछ है, ऐसा कुछ है जो ज़िंदगी का वो पहलू कारी को दिखा दे जो इससे पहले कारी की फिक्र की गिरफ्त में नहीं आया था। इसमें मेहनत दरकार है, यानी एक ही कहानी
लाजवंती लिखी जा सकती है। लाजवंती एक ही कहानी लिखी जा सकती है, लेकिन बेदी साहब का अफसाना। और यह है कि भाई दो हिंदुओं को मारा है तो दो मुसलमानों को भी मार देंगे अपने अफसाने में, जी जी, जो एक फार्मूला है जी। इस फार्मूले के साथ तो एक से ज़ायद कहानियाँ लिखी जा सकती हैं। दोनों में फ़र्क यही है। और मैंने कुछ देर पहले जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हमारे हाई लिटरेचर लिखने वालों की अपनी कुछ मजबूरियाँ रहीं, जिसकी वजह से उन्होंने जड़ी लगा दी अपने फनपारों की, और वो देखते देखते पॉपुलर लिटरेचर के दायरे में उनकी कई चीज़ें चली गई हैं जी। तो खलते मबस की बात होती है। ये कोई फख्र की बात नहीं है कि कृष्णचंद्र ने 300 अफसाने लिखे हैं, 350 अफसाने लिखे, कोई फख्र की बात नहीं है जी। वो लिखते थे क्योंकि, और वही वजह है जो प्रेमचंद की है, जो कृष्णचंद्र की है और जो मंटो की है जी। जहाँ अफसाना लिखा है पहले पैसा हमें दीजिए, और जिस तो पॉपुलर लिखना ही पड़ेगा उनको जी। एक दो बातें और मेरे जहन में हैं। ये जब एक मिनट रुकिएगा, ये हाई लो लिटरेचर की जो आपने बात कही, मैं पहले उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दूं। एक तो पुराना शब्द है देशी और मार्गी। देशी मार्गी यानी जो जिसको आप लो लिटरेचर कह रहे हैं, ये यूरोप से आया है जी, ये जी, जो आइडिया है हाई लिटरेचर लो, क्योंकि यूरोप एक कॉन्कर्ड स्पेस है जी। यूरोप को पूरा का पूरा जीता गया था, भारत ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एक तो यहाँ जिसको हम लो लिटरेचर कह रहे हैं, मेरे को समझ भी नहीं आता ये शब्द वैसे, आप क्षमा करें, मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर नहीं, मैं तो मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ। तो दूसरा ये कि जिसको हम लो लिटरेचर आप कह रहे हैं उसको देशी कहते थे, और देशी होता था रेपिटेटिव, उसमें दोहराव होता है। तो जैसे लोक कहानियाँ हैं जी, जी। लोक गीत हैं, आज भी हैं हमारे यहाँ सौभाग्य से, पूरे देश में गाई जाती हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। तो उसमें रिपीटेशन होता है जी, जी। उस दोहराव के कारण लोग अपने को एक एक गांव के सदस्य के रूप में पहचानते हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग उससे पैदा होता है। और जो जिसको आप हाई लिटरेचर कह रहे हैं उसको मार्गी कहा जाता था जी। मार्गी यानी इन्वेंटिव, ये शब्द आया है मार्ग से, मृगया से, मृगया यानी शिकार खेलना जी। जब आप शिकार खेलते हैं तो आपको हमेशा नए तरह से शिकार खेलना पड़ता है, और शिकार को भी नए रास्ते से भागना पड़ता है। तो सवाल ये है, जो भी दुनिया में साहित्य कलाएं हैं जो इन्वेंटिव हैं, जो अपने होने के लिए नए रास्ते चुनती हैं, जो ये सवाल अपने भीतर परफॉर्म करती हैं कि साहित्य क्या है, वो साहित्य हम उसको मार्गी कहते हैं, हाई लिटरेचर कहते हैं। आप जो हाई कहते हैं, मैं नहीं कहूँगा हाई, तो उसमें नए रास्ते खोजते हैं आप अपने होने के लिए। इस साहित्य का जो खास बात है वो ये है कि चूंकि इसने अपने होने के लिए नया रास्ता चुना, तो उसको पढ़ते ही लोग ये सवाल मन में उठता है उनके कि क्या ये साहित्य है जी। अगर ये सवाल एक किताब, नई किताब, एक नए शायर की शायरी पढ़ते समय या एक नए नॉवलिस्ट के नॉवल को पढ़ते समय ना उठे पाठक के मन में, तो आप सच मानिए कि ये उपन्यास किसी पुराने उपन्यासों के असर में लिखा गया है जी। असली बात यह है कि वो एक ऐसे तरह से लिखता है या लिखती है कि आपके मन में ये सवाल उठता है कि क्या ये उपन्यास है, इसके चलते उसको सवाल पूछना आता है। तो वो हमेशा सवाल ये पूछता है कि क्या ये जो आप कर रहे हैं वो राजनीति है, क्या जो आप ये कर रहे हैं ये उचित है या नहीं है। ये मार्गी साहित्य, उसका कोई भी विषय हो, आपके मन में सवाल पैदा करने का, आपके मन में सवाल उठाता है वो, और आप अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, अपने ज़िंदगी के अन्य सवालों के, अन्य जो मसले हैं आप जी रहे हैं उनके बारे में सवाल पूछना शुरू करते हैं। और जो देशी लिटरेचर है वो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी पैदा करता है, जिसको आप लो लिटरेचर या आप कह रहे हैं पॉपुलर, पॉपुलर लिटरेचर होता है वो ऊपर से तैयार करके आरोपित किया जाता है,
हमारे यहाँ देश में जो पॉपुलिस्ट लिटरेचर है या सिनेमा है उसने हमारी तमाम फोक कलाओं को, लोक देशी कलाओं को डिस्प्लेस कर दिया। और ये आपको पता है कि पॉपुलिस्ट लिटरेचर या सिनेमा या जो भी फॉर्म्स हैं वो ऊपर से आरोपित होते हैं, वो चार लोग 20 लोग आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने तैयार करते हैं, और इसलिए वो उसको लिटरेचर कहना ही गलत है। पहला तो बस एक बात और आपसे कहूँ कि क्या आपको लगता है, माफ़ कीजिएगा, क्या आपको लगता है कि ये जो कैननाइजेशन है, जो इस्तेनाद साजी हुई एक ज़माने तक, हमारे यहाँ भी मीर के सिलसिले में, गालिब के सिलसिले में सौ बातें थी, फारूकी साहब ने गुफ्तगू की और तकरीबन तय कर दिया कि मीर खुदाए सुखन है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये हाई लिटरेचर और लो लिटरेचर की जो बहस है, आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास लफ्ज़ यही हैं, तो मैं यही कहूँगा इस वक्त, तो जाहिर है कि ये जो हाई लिटरेचर और लो लिटरेचर की बहस है, क्या इसमें कैननाइजेशन का भी कोई कसूर है? अब ऐसा है, देखिए, अगर आदमी है तो वो कैनन बना के रहेगा। सवाल ये है कि आप उस कैनन को देखते कैसे हैं, या तो आप उस कैनन को फाइनल और अल्टीमेट मान लीजिए, या ये मानिए कि वो बदलते रहेंगे। अगर वो बदलते न रहते तो फारूकी साहब गालिब के ऊपर मीर को न रख पाते। ऑब्वियसली उन्होंने कैनन्स को उतना सख्त नहीं माना जितना आपके सवाल में लग रहा है। हाँ, वो जाहिर है कि उसके लिए कोई फारूकी चाहिए, ये तो हम जैसे लोगों का काम भी नहीं है। अब बस मैं अर्ज करूँ जी भाई, उद्दैन साहब चोट अच्छी रही लेकिन मज़े की बात यह है कि आपने दो टर्म्स इस्तेमाल किए संस्कृत के, वैसे बाकी जो हैं, बाकी जो बातें जो रहीं वो तकरीबन एक ही रहीं। हाई लिटरेचर, एक तो हाई लिटरेचर के बारे में है, हाई ये वेस्ट कंसेप्ट है, वेस्टर्न कंसेप्ट है जो हमारे यहाँ आया है। हमारा आजकल लिटरेचर भी वेस्टर्न वहीं से आया हुआ है, जो हमारा अपना क्लासिक सरमाया है वो हमारा है। उसके बारे में वो जो आप मार्गी और दूसरा कह रहे हैं उसका इतलाक उस पर कीजिए, लेकिन इस वक्त जो लिटरेचर है जिसकी बात हम कर रहे हैं, अगर हम मंटो की बात कर रहे हैं, कृष्णचंद्र की कर रहे हैं, तो फिर हमको उसी उन्हीं अल्फाज में बात करनी होगी। ज़ाहिर है इसीलिए मैंने माजरत के साथ कहा कि मजबूरी बस ये है कि हम वो एक लफ्ज़ न कहें तो हमें कई लफ्ज़ कहने पड़ेंगे, बल्कि मुमकिन है कि कोई एक पूरा पैराग्राफ हमें कहना पड़े, तो ये एक मजबूरी है कि लफ्ज़ वही मौजूद है, ज़ुबान तो हमें मजबूर करती है। तो बस वो बुनियादी सवाल जो ये मौजू है आज की गुफ्तगू का, तो अरस्तु के ज़माने से वैसे चली आ रही है कि थारसिस और तथीर नफ्स की हमारे यहाँ बात होती रही, फिर सर ने अभी मैथ्यू आर्नोल्ड का जिक्र किया जिन्होंने कहा था कि एक ज़माना आएगा या मॉडर्न ज़माने में अदब पोइट्री को और फिलॉसफी को ये रिप्लेस कर देगा, ये पोइट्री ही एक नया मज़हब बन जाएगा। एक दुश्वारी ये भी है कि जिस चीज़ को हम रिप्लेस करते हैं वही चीज़ हम खुद बन जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है, मज़हब तो मुझे नहीं लगता दुनिया में जिस तरह से एक सतह पे मज़हब का ज़ोर हुआ है सारी दुनिया में, तो मज़हब को अदब रिप्लेस कर पाया है। आप क्या कहते हैं कि शायरी के सिलसिले में या अदब के सिलसिले में जो बातें कही गई हैं, अदब क्यों, अदब क्या कर रहा है तमाम चीज़ों की मौजूदगी में, अदब का रेलिवेंस क्या है, जवाज़ क्या है? आपने वो सवाल आखिरी में पूछा है जिसके अकेले सवाल जिसके बारे में मैंने थोड़ा सोचा था आने से पहले। ऐसा है, मेरा ऐसा ख्याल है कि हम सबको, ऐसा एक भी आदमी इस कायनात में नहीं है जिसको, जो यूनिक ना हो, जो सिंगुलैरिटी, जो अपने में अकेला ना हो, अपनी तरह का ना हो, ऐसा एक भी आदमी नहीं, ऐसा एक भी आदमी, औरत, पेड़, पक्षी, गिलहरी, कुछ नहीं। प्रकृति में एक सी दो जीव बनाने की, प्राणी बनाने की सामर्थ्य ही नहीं। इसका फल ये है कि हमको प्रकृति से मिला हुआ उपहार ये है कि हम सब यूनिक हैं, हम इसको पहचाने न पहचाने, हम अपनी यूनिकनेस का सरेंडर कर दें किसी के आगे या न करें। अकेला साहित्य ऐसी चीज है, विज्ञान नहीं है, आपके पास वक्त होता तो मैं बताता क्यों नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, दर्शन नहीं है, केवल साहित्य और कलाएं ऐसी चीज हैं जो मनुष्य को
उसके अपने अद्वितीय होने का बोध कराती है। बहुत ऐसी एक चीज नहीं है दुनिया में अलावा साहित्य के, उसको आप पढ़ें न पढ़ें, आप ये कहें कि साहब ऐसा लेखक बोल रहा है आपको पढ़ते ही कौन है, मान लूँगा। आप कहें साहब कितने कम लोगों को, कितने कम लोग पढ़ते हैं, ये भी मान लूँगा। लेकिन मैं ये फिर से कहूँगा कि जिस ज़माने में एक तरफ से सरकारें और दूसरी तरफ से कॉरपोरेट्स अपनी तपनी युक्तियाँ लगा के आपकी अद्वितीयता को, आपकी यूनिकनेस को चोरी करने में लगी हैं, उस जमाने में केवल एक चीज है अदब, जो आपको आपके यूनिक होने का एहसास कराता है। और ये बड़ा एहसास है, क्यों? क्योंकि इस एहसास में आप, इस एहसास का एक जो आयाम है, एक डायमेंशन है, वो एथिक्स है। हर आदमी थोड़ा सा अलग एथिक्स लेके पैदा हुआ है और सरकारें एवरेज एथिक्स पे काम करती हैं। तो आप जब अपना यूनिक एथिक्स आपके दिमाग में आएगा तो आप प्रश्न उठाएंगे। आप ख्याल रखिए कि प्रश्न उठाने के लिए आपको राजनीतिक कविता या उपन्यास लिखना जरूरी नहीं है। उपन्यास मात्र, वो भले बिल्कुल प्रेम पे लिखा गया हो, और प्रेम पे लिखना कोई आसान नहीं है, बहुत कठिन है। मैंने लिखा है, मैं जिंदगी भर से प्रेम पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप किसी चीज पे हो, लेकिन वो आपका एक सेंस ऑफ यूनिक जो आपके अंदर है उसको जगाता है। और सेंस ऑफ यूनिक का मतलब है कि आपकी यूनिक सेंस ऑफ एथिक्स, आपकी नैतिकता, जो यूनिक नैतिकता है उसको जगाता है, और आप प्रश्नांकित करते हैं समाज की एवरेज एथिक्स को। जब आप ये करते हैं तो इसमें आप मदद करते हैं उस एवरेज एथिक्स की, उसको बदलना पड़ता है। इसीलिए जितने दुनिया में तानाशाह हुए वो हमेशा साहित्य से डरते रहे। स्टालिन के भाई अन्ना अखमातोवा ने तो राजनीतिक कविताएं बहुत नहीं लिखी, फिर उनसे क्या तकलीफ थी स्टालिन साहब को, क्योंकि वो सबको एक कम्युनिस्ट इंजन का कलपुर्जे की तरह बरत रहे थे। और अन्ना अखमातोवा के रीडर्स ये कह रहे थे कि हम अपने में भी कुछ हैं, ये अपने में भी हम कुछ हैं, हमारा भी अपना देखना है, हमारा भी अपना सुनना है। इस बात का एहसास अलावा साहित्य और कलाओं की कोई नहीं करा सकता, ये किसी में सामर्थ्य नहीं। बहुत भाई, बहुत अच्छी बातें कहीं, और बड़ी हद तक मैं भी आप खुद को आपसे मुत्तफिक पाता हूँ। एक पहलू है, एक नुक्ता है जिसकी तरफ हमें ख़ास तवज्जो करने की ज़रूरत है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यस, मैन इज़ ऑल्सो अ पॉलिटिकल एनिमल। कोई ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिसकी पॉलिटिक्स न हो। आप ऑप्शन चुन रहे हैं, वहाँ भी पॉलिटिक्स है। और लिटरेचर जो है ये दोधारी तलवार है। सियासत उसे कैसे और कब इस्तेमाल करेगी ये आप नहीं कह सकते, और वो नामालूम तौर पर, क्योंकि वो एंटरटेन करता है, तो नामालूम तौर पर अपनी आइडियोलॉजी आपके अंदर उतारता रहेगा। और एक आध चॉम्स्की मिलेगा या हमारे उद्यन साहब मिलेंगे, बताएंगे देखो ये आपको बेवकूफ बना रहा है। तो ये अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, इसराइल के एक फिल्म क्रिटिक ने जो जी कुछ जी किया है, लेटेस्ट एग्जांपल है उसका। जी 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 जी, जाहिर है कि आपकी बात से कई बातें पैदा हो रही हैं, और जब ये मौजू मुझे बताया गया था और वक्त बताया गया था, तो उसी वक्त लगा था कि ये वक्त इस मौजू के लिए तो कम से कम काफ़ी नहीं है। और मैं इस बात के लिए भी शर्मिंदा हूँ कि जिस तरह मैं आप दोनों का तारुफ़ कराना चाहता था, अच्छी बात यह है कि आप दोनों को लोग पहले से जानते हैं और आपकी चीज़ें मुझसे ज़्यादा वो पढ़ चुके हैं। ये वक्त है कि इस गुफ्तगु का आप खात्मा होता है। बाकी सामेईन में से जो लोग चाहें, यह आपका वक्त है, आप चाहें तो ये दोनों हजरात यहाँ बैठे हैं, आप इनसे कुछ पूछ सकते हैं, कोई बात आपके जहन में हो।
सर, आपने जो कहा लो लिटरेचर और हाई लिटरेचर, मतलब ये शब्द कुछ ठीक से नहीं लगते, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक हाई लिटरेचर की जब रचना होती है तो शायद बहुत सारे लो लिटरेचरों को पढ़ने के बाद एक हाई लिटरेचर की रचना होती है, तो ये कह सकते हैं कि शायद एक हेल्पिंग लिटरेचर आप कह सकते हैं, पर लो या हाई सर नहीं। नॉट नेसेसरीली सो। एक बात मैं कहना चाहूँगा आपकी बात से, मुझे एक बात माफ़ कीजिएगा सर याद आ गई, ये मजरूह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये बड़ा वाला शायर क्या होता है, ये बड़ा शायर वो होता है जो बहुत सारे छोटे शायरों को पढ़ता है। ये एक बात है। लेकिन वहाँ मजरू साहब शायरों की बात कर रहे हैं, मुताशायरों की बात नहीं कर रहे हैं। लो लिटरेचर मुताशायरों का होता है, तो बेटे आप जो कह रहे हैं इट इज़ नॉट दैट केस। नहीं सर, मैं कह रही हूँ टर्म्स कुछ अलग होने चाहिए, लो और हाई सुनने में बहुत ही थोड़ा अजीब लगता है। टर्म्स आप बनाइए, आप जो टर्म देंगे हम एक्सेप्ट कर लेंगे सर। उन्हें फिर बनाने के बाद आम भी करना होगा, नहीं तो ये लो और हाई, जैसे हम में से कितनों ने लो और हाई सुना है, तो आज वो लो और हाई अपने दिमाग में लेके चले जाएंगे। अब देखिए इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। कई चीज़ें हैं जो आदमी को उस तरह समझ में नहीं आती, या हम आपको समझाने में नाकाम रहे। नहीं सर, ऐसा नहीं सर। नहीं, हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, नहीं है। दो आइडियोलॉजीज होती है तो कॉन्फ्लिक्ट भी होता है सर, तो उसमें हम एक कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं। हम दोनों ने ये बात कही, इन्होंने बहुत बेहतर ढंग से कही है। लिटरेचर दो किस्म का होगा, एक में रिपीटेशन होगा, जैसे पार्टीशन पर कृष्णचंद्र की कहानियाँ। एक में रिपीटेशन नहीं होगा, जैसे राजवंती बेदी साहब की। वो एक कहानी लिखी है उन्होंने, वो हाई लिटरेचर में जा रही है, क्योंकि वो एक बसीरत फराहम कर रही है ज़िंदगी के ताल्लुक से, जो समझ कारी की उस वक्त तक है, उसमें एक नया पहलू उसको सुझा रही है। इब्ने सफ़ी को और प्रेमचंद की उस किस्म, प्रेमचंद की उस तरह की कहानियों को पढ़िए, ज़िंदगी की कोई समझ नहीं आती, सोचने पर मजबूर नहीं करती, इट इज़ प्योर 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 एंटरटेनमेंट। और जिसे आप कहना चाहिए कि रीडेबिलिटी जो है और तफरी का पहलू, वो पॉपुलर लिटरेचर में होगा। अगर वो ना हो तो वो हज़ारों के तादाद में बिकेगा नहीं। लेकिन बेदी की राजवंती कितना बिकेगी, और कितनों ने पढ़ा है और कितनों ने याद रखा है, तो उसे हाई कह रहे हैं, इसको लो कह रहे हैं। आपके लिए ये दो कंसेप्ट तो क्लियर हैं आपके पास, नाम पर आपको एतराज़ है, लेकिन ये एतराज़ इसलिए भी इसको समझना चाहिए कि ये कंसेप्ट हमारे पास वेस्ट से आए हैं। हमने शॉर्ट अफसाना वेस्ट से सीखा है, शॉर्ट स्टोरी हमारी वेस्ट से आई है, पूरा जो नावल वेस्ट से आया हुआ है, आज़ाद नज़्म वेस्ट से आई हुई है। तो जब आप सब चीज़ें वहाँ से ले रहे हैं, तो उनकी क्रिटिसिज्म के पैमाने भी हमको वेस्टी से लेने पड़ रहे हैं। आज की क्लासिकल लिटरेचर पर आज की समझ आप उतना नहीं इस्तेमाल कर सकते जितना उनका अपना एक क्रिटिसिज्म का पूरा सिस्टम था। और आजकल जो हमारा रियलिज्म इसमें जिस तरह है, तो रियलिज्म वाले लिटरेचर की क्रिटिसिज्म और तनकीद और तफहीम वेस्ट ही के पैमाने पे करनी होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट वहाँ से आया हुआ है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने बहुत बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू फरमाई और हमारे इल्म में इजाफा किए। मेरा सवाल ये है कि जो आपने इब्ने सफ़ी की बात करी, और मैं और लोगों की भी बात करूँगा, जिन लोगों ने भी ये लिटरेचर लिखा है, जिनके बारे में ये कहा गया हमेशा कि ये पॉपुलर लिटरेचर है, लेकिन अगर हम उसे आज के दौर में पढ़ें और आज की ज़बान जो हमारी जिस पाए पे पहुंच गई है कि शीन काफ भी दुरुस्त नहीं है लोगों के, तो उस हिसाब से मेरा नज़रिया, हो सकता है मैं कोई इस लायक नहीं कि कोई नज़रिया पेश करूँ, लेकिन फिर भी जो मैं सोचता हूँ कि वो आज इब्ने सफ़ी हों या जो भी हों, इब्ने इंशा हों, या इब्ने इंशा को खैर पॉपुलर लिटरेचर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो बहुत पॉपुलर थे, तो उनको अगर आज देखा जाए तो वही लोग जिसे आप हाई कह रहे हैं, मैं उसे कहूँगा मयारी अदब, तो मयारी अदब पे वो मेरे हिसाब से उतरते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, इस पर हमने अपनी बात तो कह दी है, आपके नज़दीक वो मयारी अदब की तारीफ पर पूरा उतर रहा है, यू हैव योर ओन डेफिनेशन, आपकी अपनी डेफिनेशन है, उस पर वो पूरा उतरेगा, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है।
हमारे नज़दीक जो पॉपुलर लिटरेचर और हाई लिटरेचर हम जिसे कह रहे हैं कोट अनकोट जो है वो जो है हमने बता दिया आपको। आप जो कह रहे हैं मैं थोड़ा सा उस पर कहूँ, जो पॉपुलर साहित्य होता है लिटरेचर होता है वो लिटरेचर ऑफ एग्रीमेंट होता है, स्वीकृति का होता है, उसको पढ़ के आपको लगता है हाँ ऐसे ही तो है। ज़्यादातर जो जिसको आप पॉपुलर कह रहे हैं वो ज़्यादातर उसका हिस्सा मतलब बड़ा हिस्सा उसका वो ये होता है कि जो आप कह रहे हैं उसके बारे में एक्सेप्टेंस होता है, स्वीकृति होती है। और जिसको आप हाई लिटरेचर, मैं मार्गी साहित्य कह रहा हूँ और इसमें कोई गुरेज करने वाली बात नहीं है, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, इसका मतलब इन्वेंटिव है, अंग्रेजी में कहीं इन्वेंटिव है, तो उसमें क्या होता है उसमें स्वीकृति को आप प्रश्नांकित करते हैं, यू क्वेश्चन द एग्रीएबिलिटी। आप एक ऐसी चीज़ बताते हैं, आप किताब पढ़ते हुए एक ऐसी चीज़ देख दिखा देते हैं जिसके बारे में वो चकित हो जाता है और उसको लगता है अच्छा ऐसा भी था, और पहले मर्तबा वो उसको स्वीकार नहीं कर पाता पढ़ने वाला। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, और मैं बहुत सारे ऐसे लेखक जो एक किस्म से एग्रीएबल लिटरेचर लिखते हैं, जो बहुत ज़्यादा संप्रेषण पर ध्यान देते हैं, बहुत सारा कि भाई हमारा साहित्य कम्युनिकेट नहीं होगा फलाना, ये सारी बहस चलाते हैं, वो ज़्यादातर एग्रीएबिलिटी का साहित्य है, यानी आप उसको स्वीकार करना कहलाना चाह रहे हैं। जबकि जो मार्गी साहित्य होता है, जो इन्वेंटिव लिटरेचर होता है, वो साहित्य आपके आपको प्रश्न उठाता है, आप पे आपके देखने आपके नज़रिए को तार तार करता है, आपको चोट पहुंचाता है। साहित्य से बड़ा नॉन वायलेंट वायलेंस कुछ नहीं है। सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और मेरा छोटा सा सवाल है ये कि मैं मुत्तफिक हूं सर की बात से कि हाई लिटरेचर और लो लिटरेचर, शायद हाई लिटरेचर का मतलब है ये जो किसी एक ज़माने में क़ैद नहीं होता है वो हर दौर के लिए होता है, और इसी वजह से गालिब को गैर मामूली शोहरत हासिल है। मेरा सवाल ये है कि ठीक है हाई लिटरेचर, लेकिन क्या मियार है, क्या पैमाना है, किस एतबार से हम ये तय करेंगे ये हाई है? मसलन जब फारूकी साहब मीर का मुताला करते हैं तो उन्होंने मीर को गालिब से बड़ा शायर कि उनका कलाम गालिब से बड़ा है, और अभी हम एक गालिब के प्रोग्राम में थे और वैसे किताबों में पढ़ते हैं कि गालिब से बड़ा शायर ही कोई नहीं है, और जब कोई शख्स इकबाल पर गुफ्तगू करता है तो वो ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल से बड़ा शायर ना पर्शियन में ना उर्दू में ना अंग्रेज़ी में कहीं पैदा नहीं। तो हम क्या मियार होगा, क्या पैमाना होगा, किसकी बात पर हम अमल करेंगे कि वो बड़े शायर हैं, वो बड़े लिटरेचर? एक तो आप ये जो ये बड़ा है वो बड़ा है इसको भूल जाइए। नहीं हाई ये तो किताबें लिखने, सुन तो लीजिए जी, किताबें लिखने के लिए एसर्शंस किए जाते हैं है ना, तो पहले तो आप इसको अपना अपने दिमाग से हटा लीजिए। अब आप कहिए कि जिसको आप हाई लिटरेचर कह रहे हैं अगर उसका एक कोई लक्षण, उसका कोई एक फिगर आपको बताया जाए तो वो मनुष्य से के अस्तित्व से जुड़े एग्जिस्टेंशियल सवाल पूछता है, उठाता है। और जो दूसरा साहित्य होता है वो आसपास के जो सवाल हैं जिनका ताल्लुक मनुष्य के होने मात्र से होता है वो नहीं उठा पाता। तो एक दूसरे गालिब या मीर क्यों बड़े शायर हैं, क्योंकि उनकी शायरी में वो सवाल पैदा हुए हैं, वो एग्जिस्टेंशियल सवाल पैदा हुए हैं जो हमेशा जिंदा रहने वाले हैं, जब तक इंसान है वो सवाल हैं, लेकिन जो आसपास के परिवेश से आसपास की चीज़ों से जो सवाल पैदा होके उनको डील करते रहते हैं वो एक जब जैसे ही सवाल बदल जाएंगे तो साहित्य जो है पुराना पड़ जाएगा, उसको डेटेड कहते हैं कि भाई अपडेट हो गया, अब इस साहित्य का कोई मतलब नहीं हुआ। तो आप जो शब्द दो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह आप कहिए कि साहब एक क्लासिकल लिटरेचर है जो हमेशा प्रासंगिक रेलिवेंट बना रहता है, और दूसरा लिटरेचर वो है जो डेट हो जाता है, जो समय के साथ फीका पड़ जाता है, जिसका रंग उड़ जाता है, जिसका कोई पढ़ने का
कारण नहीं बचता है। दो जमा दो चार का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, न किसी के पास है। अदब में ये बात नहीं बन पाती। हम जो कह रहे हैं, शुरू में हमने कहा कि ज़िंदगी की एक बसीरत, बसीरत जो है ज़िंदगी को देखने का एक जाविया, और हाई लिटरेचर वक्त के साथ उसकी कदर में इजाफा होता है, और जो लो लिटरेचर है आज वो पढ़ा गया, दो दिन बाद ख़त्म हो गया। न्यूज़पेपर अलग चीज़ है, और उस न्यूज़पेपर के एक ख़बर पर लिखा हुआ अफसाना या एक शेर वो रहता है वक्त तक, वक्त गुजरने के बाद भी, लेकिन वो ख़बर उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। हाँ, आप लोग शामिल हुए इसमें एक्टिवली, बेनता शुक्रिया, गुफ्तगू हुई, जवाब भी दिए गए, वक्त इतना ही था, और ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है, ये गुफ्तगू यहीं ख़त्म होती है।